मेरा नाम अंकित कुमार है। मैंने अपने स्कूल की तीन समस्या चुनी, जो थी स्वच्छ पेयजल, बिजली का न होना और कूड़े कचरे के अनुचित प्रबंधन। हमारे स्कूल के पीछे एक कूड़े का ढेर है, जिससे कभी कभी बहुत ज़्यादा बदबू आती है और उससे पढ़ाई में भी काफ़ी हद तक बच्चों को नुकसान होता है। अगर हम उसी कूड़े से बिजली बनाएं और अपने स्कूल में दौड़ाएं तो हमें शुद्ध पेयजल की व्यवस्था प्राप्त हो सकती है। या एक तरीका यह भी है कि अगर हम एक बोतल में मिनरल वाटर भर करके उसमें एक चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डाल दें और उसे धूप में इस प्रकार लगाएं कि ढक्कन वाला भाग नीचे और पेंदी वाला भाग ऊपर रहे, तो एक घंटे बाद क्लोराइड का कण और ब्लीचिंग का कण आपस में मिलकर टिंकल प्रभाव एवं ब्राउनी गति के कारण एक प्रक्रिया उत्पन्न होगी, जिससे उनके कण ऊपर नीचे हिलेंगे और हमारे स्कूल में बिजली उत्पन्न होगी। अगर ऐसा हो गया तो हमारे स्कूल का काफ़ी पैसा बचेगा और वही पैसा हम स्कूल के अन्य कार्यों में भी लगा सकते हैं। थैंक यू।